अदालत ली थी और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें बहुत बड़े पैमाने पे हम काम कर रहे हैं और जो भी काम मिलेगा हम करेंगे, उसको हम किसी काम को कम अहमियत का नहीं समझता। मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग फंक्शन वो रिवायती सियासत करना चाहती है या मतलब कोई नए अंदाज से नए बलबले के साथ आना चाहिए? इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन मुतबादिल लीडरशिप देगी सिंध में और उसी हिसाब से हम अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। इधर चुनगुन में मुफाहमती पॉलिसी तहत सीटों की विरासत वगैरह थी या उनमें जो मध्य मुकाबल हर जाए इलेक्शन की तैयारी क्यों पा असा पाँगी पार्टी की तंजीम क्यों पा यो पार्टी की हाई कमान एमपी साहब के मत सिलेल उन पार्टी पाँच राय दी फैसलो जो पीर साहब कह असो बाद जो स्टेज आ पर अस हाँ इन वक्त पीर साहब की हिदायत से तंजीम नो इलेक्शन की तैयारी ला मैदान में निकल देखिए ये फैसला ऊपर के लेवल पर होगा उसमें पीर साहब और प्रेजिडेंट साहब बैठेंगे अगर कभी इस तरह की सूरत हाल बनती है तो लेकिन अभी इसमें काफ़ी टाइम है जब आएगा तो देखेंगे अभी हम इलेक्शन की तैयारी और तंजीमों पर हम अपनी तवज्जो इलेक्शन की तैयारी क्यों पा असा पाँगी पार्टी की तंजीम क्यों पा यो पार्टी की हाई कमान एम पीर साहब के मत सिलेल उन पार्टी पाँच राय दी फैसलो जो पीर साहब कह असो बाद जो स्टेज आ पर अस हाँ इन वक्त पीर साहब की हिदायत से तंजीम नो इलेक्शन की तैयारी ला मैदान में निकल देखिए ये फैसला ऊपर के लेवल पर होगा उसमें पीर साहब और प्रेजिडेंट साहब बैठेंगे अगर कभी इस तरह की सूरत हाल बनती है तो लेकिन अभी इसमें काफ़ी टाइम है जब आएगा तो देखेंगे अभी हम इलेक्शन की तैयारी और तंजीम नो पर हम अपनी तवज्जो दे रहे हैं मजम्मत क्यों था असं चाहूँ था तो उतने सियासी बुनियादन सियासी मसलियतन को बालातर थी कर कार्रवाई थे खे पुलिस ए रेंजर्स के मुकम्मल इख्तियार मिलन खपन उनमें सियासी मुदाखलत पोस्टिंग ट्रांसफर्स में बंद थे खे समझा तो यो थो पुलिस के रिसोर्सिस मिलन पुलिस के रिसोर्सिस मिलन सियासी मुदाखलत बंद थे सियासी मसलियतन को बालातर थी रेंजर्स ए पुलिस कार्रवाई करे तो समझा तो काफ़ी फर्क पी अमन अमान अगर कोई नो कर बी का पार्टी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ऑफर थी करे तो साड़ी वसा ठीक करे तक आपने हमेशा फंक्शनल फार्मूला पेश किया है सदर साहब को भी और सुबह हुकूमत को भी आप क्या समझते हैं कि आपके फार्मूले पे कभी उन्होंने अमल किया सुबह हुकूमत देखिए अभी तक तो पीपल्स पार्टी और जो मुत्तहिदा की बातें हुई हैं जो दोनों ने अपने अपने दिए हैं फार्मूले वो दोनों उनका सरा ही एक दूसरे से नहीं मिलता एक मशरक़ है तो दूसरा मगरब है फंक्शनल फार्मूला जो हमारा था जो हमने दिया हुआ है इनको अब दोस्तों को सियासी पार्टियों को वो एक बीच का रास्ता है और वो बीच का रास्ता ही दोनों को मिलाता है और हम ये बार बार ये कह चुके हैं कि इंतखाबात फौरी तौर पे होने चाहिए बल्दियाती इंतखाबात ताकि लोगों को निचली सतह तक जमहूरियत मिले और लोगों के मसले हल हो सकें और उसका वाहिद हल जो है वो फंक्शनल फार्मूला में ही है जो कि बीच का रास्ता है जिसपे तमाम लोग मुत्तफिक हो सकते हैं और लोगों के मसले भी हल हो सकते हैं और सिंध के अवाम और सिंध के लिए उनके मफाद में है ये फार्मूला जो फंक्शनल फार्मूला है। उसके अलावा अगर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के जो ड्राफ्ट्स हैं वो दोनों मिलते ही नहीं हैं और हो सकता है कि फिर अगर यही हो तो फिर शायद इंतखाबात ही ना हो। अच्छा अभी आपके समझ में नवाज शरीफ के साथ आपका इत्तेहाद होगा मुस्लिम लीग इकट्ठी होंगी या नहीं होंगी? देखें ये फैसले पार्टी की हाईकमान करेगी पीर साहब के हमारे ये पूरे इख्तियार पार्टी ने दिए हुए हैं लेकिन अभी हम अपने जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम अपने रीऑर्गेनाइजेशन और इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में मुझे हिदायत दी गई है मैं उस पर निकला हूँ उस पर काम करूँगा और सदरुद्दीन शाह साहब हमारे जो सूबाई सदर हैं वो इस वक्त बाहर हैं मुल्क के वो भी आ रहे हैं वो भी हमारे साथ दोनों पे होंगे ताकि हम वो जो हमें टास्क दिया गया उस पर करेंगे। बाकी किस पार्टी के साथ इत्तेहाद होना है सीट एडजस्टमेंट होनी है नहीं होनी है ये इख्तियार पीर साहब को है वो फैसला करना है। गुज़िश्ता बरसातों के बाद आज भी सूरत हाल ये है कि सांगर जिले के या फरसागर के जिले में पानी भरा हुआ है उन इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकती है अब लेकिन बरसातों का सिलसिला शुरू है हुकूमत की जाने से वो खातिर का मंसूबा नहीं बनाया उस पर काम हुआ है और मैं आपको ये अर्ज करता चलूँ कि उस पर हमारी पार्टी ने और पीर साहब ने खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर से और प्रेजिडेंट से बात की है और सांगर की डेवलपमेंट का पैकेज पूरा प्राइम मिनिस्टर के हवाले किया गया है जो अभी आए थे जहाँ पीर साहब से मिलने कराची पीरगोट प्राइम मिनिस्टर वहाँ उनको खसूसी तौर पे कहा गया है कि सांगड़ की और जो बाकी इलाके हैं उनकी सांगड़ का डेवलपमेंट पैकेज उनके हवाले किया गया है जो वो कमिटमेंट करके गए वो देंगे
कई अरबों रुपयों पर मुश्तमल है। पूरी डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट है, रोड रास्ते स्कूल बिल्डिंग्स जो भी हैं, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर उस पर जो हमने दिया है अपना पीर साहब ने उनको डेवलपमेंट प्लान सांगड़ का, खासतौर पर बारिशों के हवाले से जो तबाही हुई है, हम समझते हैं कि जल्दी उसको मंजूर हो जाना चाहिए, उस पर काम जल्दी शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने जो मुफाहमती पॉलिसी भी बनी है उन्हें तहत जो कुआत के तरक्या कम है उन्होंने 40-60 में रखे हुआ नौकरी में फंक्शन मशीन देकर 16,000 लाद किया हुआ उन्होंने पहले कोटा 16,000 भी वरत हुआ गवर्नमेंट को। सो जो असान तो उन्होंने बार बार मुतालबो भी कहना हूँ ऐसा पाँच जो असान जो डिमांड कहना हूँ पाँच हिसाब से वो यो वधिक पीपल्स पार्टी जा दोस्त बताए सकन था वजीर आला बताए सके तो असान कोटा छोड़ थो लेके अच्छे तो ताबीर पूछो असान तरफों पूछो। यहाँ दर्जनों अफराद जमा हो गए हैं, एक मासूम बच्चे की जिस तरीके से बेदर्दी से